ओके स्टूडेंट 46 आप लोगों का प्रीवियस होमवर्क था लोग किसकी इबादत कर रहे थे इंग्लिश सेंटेंस हु आर द पीपल वर्शिपिंग सेकंड तुम क्यों अपने आप को सजा दे रहे थे व्हाई आर यू पनिशिंग योरसेल्फ थर्ड कौन हमारी रहनुमाई कर रहा था हु वाज लीडिंग अस फोर्थ वो किसको मुत्तहिद करने की कोशिश कर रहे थे Who are they struggling to unify? Fifth, लोग क्यों कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे थे? Why were the people violating the law? अपने जुमले इन जुमलों के साथ चेक कर ले, जो गलतियां हैं वो निकाल दे। आज हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस फेल माजी कामिल या फेल माजी मुकम्मल है। Actually, past perfect tense is used to denote two actions, दो काम को जाहिर करने के लिए, एक काम के खत्म होते ही दूसरा काम शुरू हुआ हो। उस काम के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं सो पास्ट परफेक्ट टेंस फेल माजी मुकम्मल और फेल माजी कामिल फर्स्ट वी विल गो फॉर इट्स उर्दू रिकॉग्निशन इन उर्दू यानी उर्दू में पहचान उर्दू का हर वो जुमला जो चुका था चुकी थी चुके थे या फिर या था ये थी ये थे वगैरह पर खत्म हो जाए वो पास्ट परफेक्ट टेंस से ही ताल्लुक रखते हेल्पिंग वर्ब इसमें है एक ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है हेड हेल्पिंग वर्ब द ओनली हेल्पिंग वर्ब यूज्ड इन पास्ट परफेक्ट टेंस इज हेड मेन वर्ब जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी टेंस में लफ्ज परफेक्ट हो वहां हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होता है तमाम परफेक्ट टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं सो द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस वी हैव अफर्मेटिव सेंटेंसेस अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी सादा जुमले सादा जुमलों में हमेशा हमारे पास हेल्पिंग सब्जेक्ट जुमले के शुरू में इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अब चूंकि हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब हेड है तो इसलिए हम तमाम सब्जेक्ट के साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब हेड लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास उर्दू जुमला है कि वो इम्तिहान दे चुकी है सॉरी चुकी थी वो इम्तिहान दे चुकी थी शी हैड टेकन एग्जाम शी हैड टेकन एग्जाम वो इम्तिहान दे चुकी थी इसी तरह मैंने उन्हें शिकस्त दी थी आई हैड बीटन देम मैंने उन्हें शिकस्त दी थी या मैं उन्हें शिकस्त दे चुका था या अगर दो काम जाहिर करना मकसूद हो तो डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था अब इसमें मरीज के मरने का काम पहले हुआ है तो इसलिए हम उसको पास्ट परफेक्ट में रखेंगे The patient
The patient had died before the doctor came. The patient had died before the doctor came. अगर हमारे पास एक ऐसा जुड़ा हो जिसमें दो काम जाहिर हो, एक काम के खत्म होते ही दूसरा काम शुरू हुआ हो, so the action which has already been completed, जो काम पहले ही मुकम्मल हो, we put that into past perfect tense, उसको past perfect में रखते हैं, and the action that has just begun or just commenced, जो इसके बाद काम शुरू हुआ हो, we put that in past indefinite tense, उसको फिर past indefinite में रखते हैं, जो काम मुकम्मल हुआ है, उसको past perfect में, जो शुरू हुआ है, उसको past indefinite में रखते हैं, जिस तरह के डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, the patient had died because the action of dying has already been taken place before the doctor arrives. Doctor के आने से पहले मरने का काम मुकम्मल हो जाता है, तो इसलिए we put that into past perfect tense. The patient had died before the doctor came. Doctor के आने से पहले मरीज मर चुका था. या प्रोग्राम खत्म होने से पहले बिजली चली जा चुकी थी. इसी तरह जो काम मुकम्मल हुआ है उसको पहले रखते हैं, past perfect में रखते हैं, और जो शुरू हुआ हो ना मुकम्मल हो उसको फिर past indefinite में रखते हैं. आप लोगों का होमवर्क है, फर्स्ट सेंटेंस वो अपना मकसद हासिल कर चुका था. सेकंड, पाकिस्तान आने से पहले वो कई मुल्कों का दौरा कर चुका था. थर्ड, हमने उन्हें साफ साफ बता दिया था. फोर्थ, वो परहेज रख चुकी थी. फिफ्थ, वो वजन घटा चुका था. इनमें इस्तेमाल शुदा डिफिकल्ट वर्ड्स, अचीव गोल, मकसद हासिल करना, विजिट, दौरा करना, कॉल स्पाई टू स्पाई, साफ साफ कहना, गो ऑन अ डाइट, परहेज रखना, लूज वेट, वजन घटाना. इन अल्फाज की मदद से आप आसानी इन जुमलों को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं.